अब हम समझ रहे हैं जावास्क्रिप्ट में कि डू वाइल लूप का किस तरह से कोड किया जाता है, उसका यूटिलाइजेशन कैसे होता है, उसके कोड को प्रॉपर लिखने का तरीका ये है। तो यहाँ पर देखिए ना, स्क्रिप्ट के टैग में आके मैंने एक वेरिएबल बनाया है लेट आई, उसकी वैल्यू रखी है 1, और यहाँ से मैंने डू लिखा है। वाइल और डू वाइल में सिर्फ इतना फ़र्क है कि वाइल में पहले वाइल लिखा जाता है, देन कंडीशन, और फिर उसका बॉडी ब्लॉक पे जो भी कोड रन कराना होता है लिखा जाता है। डू वाइल में जस्ट डू लिखा जाता है और बॉडी यानी कि उसका ब्लॉक बना दिया जाता है जिसमें जो भी आपने कोड परफॉर्म कराना है वो लिख दिया जाता है, और आखिर में कंडीशन चेक कराते हैं। लेकिन इसमें याद रखें, जब आखिर में कंडीशन चेक कराएंगे तो यहाँ पर स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाना लाजमी होगा। अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो कोड में एरर आएगा। वाइल लूप पे इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। अब आप क्या कह रहे हैं, डू यानी कि परफॉर्म करो ये कोड। अब ये परफॉर्म करना शुरू करेगा अनटिल एंड अनलेस, कब तक करता रहेगा, जब तक कि आई की वैल्यू क्या नहीं हो जाती, 0। तो मैं यहाँ से इसका इस स्टेटमेंट को हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो हमारा लूप जो है इन्फिनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि वो 0 होगी नहीं और वो इस कोड को परफॉर्म करता रहेगा। तो इसको इन्फिनिटी से निकालने के लिए मैंने यहाँ पे एक इनपुट सेट कर रखा है कि भाई जैसे ही मैं आई की वैल्यू को 0 पुट करूंगा तो ये हमारा लूप रुक जाएगा। लेकिन देखिए, पहले कंडीशन चेक करेगा या पहले कोड को रन करेगा, पहले ये कोड को रन करेगा देन इसकी कंडीशन को चेक करेगा। तो जब ये कोड को रन करेगा फिर कंडीशन को चेक करेगा, तो फिर हम इसको उसी हिसाब से इसको देखेंगे। तो यहाँ पर हम जाते हैं और यहाँ पर आके हम इसके कोड को रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमसे कह रहा है कि भाई आप कंडीशन, पहले इसने कोड को परफॉर्म किया और फिर इसने हमसे कंडीशन पूछ रहा है। तो मैं वैसे कोई भी कंडीशन डालता रहूँगा इसके अंदर वैल्यू, तो वो इसको लेता रहेगा इनपुट और इस पर कोई भी स्टॉपिंग या एरर वगैरह नहीं देगा। लेकिन जैसे ही मैं इसके अंदर 0 पुट करूँगा तो ये देखें जितनी दफ़ा ये लूप चला था उसको उतनी दफ़ा परफॉर्म कर देगा। अब यहाँ पर देखिए कि जितनी दफ़ा इसने परफॉर्म किया, तो इसने पहले जितनी बार परफॉर्म करना था यहाँ से परफॉर्म कर दिया, फिर देन हमने जो कंडीशन दी उसको चेक करके इसने जो है यहाँ पर इसको परफॉर्म कर दिया। अभी यहाँ से फिर से रिफ्रेश करते हैं और फिर हम इसको डालते हैं यहाँ पे वैल्यूज़। तो यहाँ पे हमने डिफरेंट वैल्यूज़ को पुट अप करना शुरू किया, तो नहीं रुक रहा, जब मैंने 0 डाला फिर रुक गया। अच्छा, अब हम अगर कंडीशन हटा देते हैं और इसके अंदर हम ये कहते हैं कि वाइल आई लेस देन इक्वल टू 10, और फिर हम इसको यहाँ पे प्रॉम्प्ट की हटा देते हैं, कोड को थोड़ी देर के लिए डिसेबल कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं i++। तो यहाँ पर आप देखेंगे रिफ्रेश करने पर अब ये 10 टाइम ही इसको परफॉर्म कर रहा है, और जब उसकी वैल्यू 10 हो जाती है तो ये रुक जाता है। सिमिलरली अगर इसको हम 20 कर देते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो ये 20 टाइम स्टेटमेंट को परफॉर्म करता है। तो इस तरह से ये जो है इसका डू वाइल लूप इस तरह से काम कर रहा होता है।